फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमने बेसन का हलवा बनाया है। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप किसी वक्त इसे बना सकते हो, ये सभी को बहुत अच्छा लगता है खाने में। चलिए आपको बताते हैं किस तरह बनाया जाता है, बने रहिए पूजा ब्लॉग्स में। कि आज हम बेसन का हलवा बनाएंगे, उसके लिए देखिए हमने घी को ले लिया है, 3 से 4 चम्मच हमने घी ले लिया है। और यहाँ पे डालने के लिए हमने शक्कर ले लिया है हलवा में, और यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स हैं और इलायची पाउडर है। चलिए हम इन्हें बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है हलवा, आप किसी वक्त इसे बनाइए। चलिए इन्हें बना लेते हैं। देखिए, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, हम डाल देते हैं घी इसमें। घी आप अपने हिसाब डालिएगा, जितना आपको चाहिए। इस तरह से देखिए, हमने 2 चम्मच घी डाल दिया है इसमें। देखिए, घी हमारा हो गया है, हम डाल देते हैं बेसन को। सभी बेसन को डाल के अच्छे से हम इसे भून लेते हैं, बेसन को डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। धीमी आंच पर ही इसे हम धीरे धीरे पका लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह अच्छी तरह से हम इसे भून लेंगे। जिस तरह हम हलवा बनाते हैं सूजी का, उसी तरह इसे भी अच्छे से हम इसे भून लेंगे। उसके बाद में हम इसमें डालेंगे पानी। इसे तब तक भूनना है जब तक इसमें सौंधी सी खुशबू नहीं आने लगे। बहुत ही अच्छा इसमें खुशबू आता है पकने के बाद। ये देखिए, ये हो गया, इसमें हम पानी डाल देते हैं। ये देखिए, जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। इसी तरह चलाते हुए इसे मिक्स करना है, आँच हमें एकदम धीमा रखना है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसमें हम शक्कर डाल देंगे। ये देखिए, अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। हमने 1 कटोरी बेसन लिया था तो 1 कटोरी हमने शक्कर भी डाला है इसमें। इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए, हमने शक्कर को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब हम इसमें डाल देते हैं दूध। ये देखिए, इस तरह से डालेंगे। अगर आपके पास केसर हो तो आप इसमें डाल सकते हो। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से चलाते हुए। देखिए, सारा मेजरमेंट हमने कटोरी के नाप से ही किया हुआ है। कटोरी से हमने बेसन भी लिया, शक्कर भी लिया, दूध और पानी भी, सिर्फ एक ही कटोरी से हमने सब चीज किया है। आप भी इसी तरह माप से कर सकते हो, आपको भी कोई परेशानी नहीं आएगा हलवा बनाने में। देखिए, इसे अच्छे से हमने मिक्स कर दिया। देखिए, इसमें उबाल भी आने लगा है। अब इसमें हम डाल देते हैं सभी ड्राई फ्रूट, इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे इस तरह से। इसे भी मिक्स कर लेते हैं। देखिए, हमारा पक गया है, बस 1 मिनट के लिए और हम इसे कर लेंगे। देखिए, हमारा हलवा हो गया तैयार। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए, आपको पास से दिखाते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में ये। चलिए, इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा बेसन का हलवा हो गया है तैयार। आप इस तरह से बनाइए, आपका भी बहुत टेस्टी बनेगा। देखिए, हमारा बेसन का हलवा हो गया है तैयार। आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप किसी वक्त इसे बना के खा सकते हो। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।